चलो फिर तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए फोटोसिंथेसिस आप सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है, पहला नाम है फोटो और दूसरा क्या है सिंथेसिस, लाइट मीडिएटेड सिंथेसिस। लाइट मीडिएटेड सिंथेसिस का मतलब है वो सिंथेसिस जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब बात यहां पर आती है कि सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है कौन बता सकता है, किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश का सिंथेसिस हो रहा है। फोटो, इट इज फोटो मीडिएटेड सिंथेसिस, लाइट की हेल्प से कुछ चीज बन रहा है। तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट, क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ साथ आपका क्या बनता है फूड जनरेट बनता है ना, कौन सा फूड बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनता है ना। तो यूज क्या होता है CO2 और CO2 यूज होती है और क्या किसी प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में और बनता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी, O2 रिलीज होती है ना। तो प्रोडक्ट्स क्या है इसके, प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, प्रोडक्ट्स आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है जी। तो कौन सी चीज है प्लांट्स में ऐसी जो इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को चलने में हेल्प करती है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्या होता है क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है पिगमेंट, क्या है क्लोरोफिल क्या है पिगमेंट, जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर के होते हैं। कौन है ये ग्रीन सुन के जो है काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ गई, बढ़ गया, ठंडे में एनर्जी आना बहुत जरूरी है तभी बाकी लोगों को भी क्या होगा ठंड लगेगा कि एनर्जी आ रही है क्लास में, ठीक है जी। तो ये सिंपल आपको ये फोटो है जो दिखाना है फोटोसिंथेसिस की, जनरल एक लेमैन को अगर हमें समझाना हो तो कैसा होता फोटोसिंथेसिस, और पेड़ पौधे लाइट की प्रेजेंस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को लेते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिलीज करते हैं, ठीक है जी। जो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है ग्लूकोज क्या हमारा फूड है जिसकी वजह से पेड़ पौधे खाना तैयार कर रहे हैं, इसलिए पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन सबको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। इंसान अपना खाना खुद नहीं बनाता है इसलिए इंसान को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ कहते हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम खाना पका रहे हैं, जैसे पहले भी कहा था हम खाना बना नहीं रहे, क्या कर रहे हैं पका रहे हैं, बना कौन रहा है प्लांट, ठीक है जी। ये तो थी सामान्य बात, आपको सामान्य बात नहीं समझनी है, आपको साइंटिफिकली समझना है फोटोसिंथेसिस को कैसे हो रहा है, सोलर एनर्जी, ठीक है, कौन सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, ठीक है जी, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को क्या करता है अब्सॉर्ब करता है और अलग अलग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से हमारा फूड तैयार होता है, ठीक है जी। तो ये फूड जो सिंपल रिएक्शन है वो होती है सिक्स CO2 प्लस सिक्स H2O बनाता है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक्स में 6 CO2 की जगह 6 H2O की जगह 12 H2O भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अगर 12 H2O भी लिखोगे लास्ट में इस रिएक्शन में 6 H2O अलग से लिखिए, ठीक है जी, सेम ही हो गए रिएक्शन, बाकी बैलेंस है, ठीक है जी। आपको अगर ऐसा मिले तो ये मत समझना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, दोनों सेम चीज है, 6 CO2 प्लस 6 H2O से C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ये तो है सिंपल फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन, सम ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कि प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया, हमने
ऑक्सीजन क्या किया, लिया सांस के थ्रू लिया। तो ऑक्सीजन लेने से हम क्या करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है, मतलब जो चीज हमने खाई वो बॉडी में ऑक्सीडाइज होगा तब जाके हमको एनर्जी मिलेगी। तो जो बॉडी में जो हमारे प्रोसेस होती है ऑक्सीजन लेने की उसको क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है जहां हम O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस है CO2 लेना और O2 रिलीज करना। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक साथ समझ लिए ऑपोजिट है, एक जगह ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है, CO2 को लिया जा रहा है। इंसान क्या कर रहा है, O2 को ले रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन से और CO2 रिलीज कर रहा है। तो ये रेस्पिरेशन वाली सर इसको आप छोटा कर दो, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस की ये आपने देखी ऑलरेडी, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बना, ठीक है जी, तो जो ग्लूकोज बना वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। जो ग्लूकोज बना था वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। हमने ऑक्सीजन ली तो क्या हुआ, 6CO2 आपका रिलीज हो गया अगेन। तो आपको अगर दिख रहे हैं दोनों रिएक्शंस देखो, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है 6CO2 6H2O, वो रेस्पिरेशन में क्या हो गया, राइट हैंड साइड 6CO2 प्लस 6H2O। जो इसके राइट हैंड साइड है ये इसके आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। एक जगह हम CO2 को ले रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, जैसे प्लांट्स कर रहे हैं, और इंसान क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ओके, सो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां मिलता है, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, एक बाई लेयर होता है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल्स की एक खास बात होती है, मैक्सिमम जो इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक लेयर होती है, बाहर से क्या होती है, एक लेयर होती है जो आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को ये बात भी प्रूव करता है कि ये सबसे डेवलप्ड कैटेगरी है, जिसमें क्या होती है आपके ऑर्गन्स के बाहर से भी लेयर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी लेयर होती है ना, आपका क्लोरोप्लास्ट में बाहर से लेयर होती है। जो सेल की बाहर से मेम्ब्रेन और वॉल है वो तो है ही है, अंदर जो ऑर्गेनेल्स भी हैं उनमें भी क्या है, लेयर्स बनी होती है, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ और चीज होता है जो प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है जी। सेल को स्ट्रेस होता है अलग अलग वेज से बॉडी में, ठीक है, सेल को स्ट्रेस होता है, सेल के स्ट्रेस की वजह से इन चीजों में फर्क न पड़े, इसलिए नेचर ने इनको भी क्या दिया है, मेम्ब्रेन दी है बाहर से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल किन के अंदर है, ये जो यहाँ ये बने हुए हैं इनको कहते हैं हम थाइलेकोनिड्स। क्या बोलते हैं, थाइलेकोनिड्स। एक को आप ग्रेनम बोलते हैं और पूरे एक ढेर को क्या कहते हैं, थाइलेकोनिड्स कहते हैं। इन थाइलेकोनिड्स के अंदर क्या रहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं। इन थाइलेकोनिड्स के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहते हैं, जो लाइट को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है और आगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। दो रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस की होल प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सेकंड स्टेप को कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन उसका साइंटिफिक नेम है केल्विन साइकिल। तो कौन कौन सी दो घटनाएं हैं, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट मीडिएटेड रिएक्शन, लाइट मीडिएटेड रिएक्शन, और स्टेप टू है केल्विन साइकिल, सी होता है केल्विन साइकिल, इसी को डार्क रिएक्शन किया जाता है। डार्क रिएक्शन को साइंटिफिकली करेक्ट नहीं आज माना जाता है, इसलिए करेक्ट नेम केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें लाइट की जरूरत हो है, लाइट गिरी, क्लोरोफिल ने लाइट को एब्सॉर्ब किया,
आगे प्रोसेस हुई और जो फर्स्ट रिएक्शन का लाइट की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उससे सेकंड जो रिएक्शन है केल्विन साइकिल वो शुरू होती है। तो बेसिकली जो पहली दो रिएक्शन पहली रिएक्शन जो होती है फर्स्ट रिएक्शन उसमें बनता है ओ टू स्टेप फर्स्ट में, और जो सेकंड रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल वाली उसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक को कहते हैं हम ओ टू रिलीजिंग रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं CO2 फिक्सेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? CO2 फिक्सेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है यूटिलाइज होके क्या बन रहा है आपका सुगर बन रहा है C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है। तो वो क्या है सेकंड स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज ओ टू रिलीजिंग स्टेप, कहां से ओ टू आ रहा है वॉटर स्प्लिटिंग से, कहां से पानी को स्प्लिट करके वॉटर स्प्लिटिंग से क्या बन रहा है O2 बन रहा है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है CO2 फिक्सेशन हो रहा है और आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6। अब बात कर रहे थे हम जो दोनों रिएक्शंस की बात कर रहा था मैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो क्या हो रहा है पहले लाइट रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन इसीलिए नाम है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। एनर्जी कन्वर्जन रिएक्शन, इसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है, कौन सी एनर्जी लाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है लाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो स्टेप फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसी में बनते हैं आपका एटीपी एंड एनएडीपीएच। अभी इनके बारे में बताऊंगा क्या एटीपी है क्या एनएडीपीएच है। नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेटेड बॉन्ड, एच का मतलब और होता है आगे बताऊंगा। सेकेंड स्टेप था केल्विन साइकिल, ये क्या है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट का मतलब है इस रिएक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है बट डिफरेंट जगह पे। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो होती है थाइलेकोइड्स में क्योंकि उसके अंदर ही क्लोरोफिल है, ठीक है। बट जो सेकेंड रिएक्शन है केल्विन रिएक्शन वो होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपका स्पेस है, ये आप देखोगे अगर ये जो एरिया है इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है फ्लूइड, ठीक है जी। वो जो अंदर का आपको लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट नहीं बोल सकते उसको, नाम है स्ट्रोमा। यहां पर क्या होती है केल्विन साइकिल यहां होती है और लाइट रिएक्शन किस में होती है थाइलेकोइड्स में। तो ये आपको याद रखना। तो रिएक्शन हो क्या रही है ये यहां पर एक समरी है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन में थाइलेकोइड के अंदर लाइट आई, ठीक है जी, थाइलेकोइड पे लाइट गिरी उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने लाइट अब्सॉर्ब करी, आगे रिएक्शन हुई, साथ साथ इसी में वाटर स्प्लिटिंग होती है इसी रिएक्शन में, अभी डिटेल आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओ2 रिलीज हो गई, इसके साथ साथ इस स्टेप में ही एटीपी और एनएडीपीएच ये भी जनरेट होते हैं सेम पहली रिएक्शन में। जो पहली रिएक्शन के प्रोडक्ट है वो यूज होंगे सेकेंड रिएक्शन में केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो यूज होगा CO2 फिक्सेशन को करने के लिए क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए ना एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी यूज हो जाएगी। और जो एनएडीपीएच है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट जो इस रिएक्शन में आगे हेल्प करेगा खर्दर काम करने के लिए। तब जाके केल्विन साइकिल में क्या होता है CO2 फिक्सेशन होता है और आपको क्या बनता है सुगर बनता है विच इज C6H12O6 ग्लूकोज। ये है मोर ऑर लेस इसका ब्रीफ समरी। हो क्या रहा है अब दोनों रिएक्शन में, फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है सेकंड सिस्टम में, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये दिखने का मुश्किल है, अभी आप समझोगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है जी। पहले रिएक्शन का स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये इसका एक समरी है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लोरोफिल के अंदर दो चीजें होती है। क्या होती है जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड PS1 और PS2। ये दो क्या है एक दो कॉम्प्लेक्स है, क्या है दो कॉम्प्लेक्स है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको दूसरा नाम दिया P680। इसका नाम क्या है P680। जब लाइट गिरी, ठीक है जी, क्लोरोफिल पे इस P60 ने क्या किया आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया,
वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से गिर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहां गया, इस P70 में, इस पे भी लाइट गिरी है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो जो ये यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर जो एक्साइटेड हो गया था इलेक्ट्रॉन उसको रिप्लेस करेगा और रिएक्शन आगे चलेगी, तो NADP जो है NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली सेम टाइप पे ATP सिंथेसिस एक क्या है, एंजाइम है, ये क्या करता है ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो यही इस फर्स्ट किसी से आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो काम हुए, एक जनरेशन हुआ NADPH का, एक जनरेशन हुआ ATP का, और यहां पे वाटर स्प्लिटिंग हुई पहले स्टेप में, किसमें हुई वाटर स्प्लिटिंग, फोटो सिस्टम सेकेंड में P680 पे वाटर रिलीज हो गया, और आगे जो प्रोसेस चल रही है वो किसके लिए हो रही है, NADPH जनरेशन के लिए, साथ साथ आपका ATP सिंथेसिस से आपका ATP निकलेगा। तो क्या तीन चीजें बनी, ऑक्सीजन रिलीज हुआ वाटर की स्प्लिटिंग से, कैसे होता है रिएक्शन होती है H2O की जो स्प्लिटिंग सब होती है, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, H2O का स्प्लिटिंग हुई तो क्या बना, हाफ O2 प्लस एनर्जी, सॉरी इसमें एक हाफ O2 प्लस H2, हाफ O2 प्लस H2, तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो फर्स्ट में क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन रिलीज हुई और जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये डिफरेंट रूट से होते हुए लास्ट में NADPH बना, ATP बना, तो तीन चीजें फर्स्ट स्टेप में बनी, कौन कौन, ऑक्सीजन रिलीज हुआ वाटर स्प्लिटिंग से और विभिन्न अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मीडियम से होते हुए आपका NADPH प्लस क्या बना, NADP प्लस बना, NADPH ये बना, और साथ साथ ATP सिंथेसिस ने ATP बना दिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीजें जो है ATP और NADPH यूज होंगे सेकेंड स्टेप में जो है केल्विन साइकिल, तो एक जगह का प्रोडक्ट एनर्जी प्रोडक्ट दूसरे में यूज होंगे। इनके बारे में नीचे लिखा हुआ हिंदी में, जिसको समझना हो समझ, एक्चुअली वो ऐसा है, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा था ये एक शॉर्टकट था, वो ऐसा रहा है PS सिस्टम सेकंड, जो अभी मैंने दिखाया था फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड, जिसको P680 कहते हैं, इस पे लाइट गिरी, इसने वाटर स्प्लिटिंग करी, ठीक है जी, वाटर स्प्लिटिंग करी और क्या हुआ, ये अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुंचा, फोटो सिस्टम फर्स्ट में अगेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वहां वाला एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने रिप्लेस कर दिया, आगे गया थायरोडॉक्सिन से होते हुए और यहाँ पर NADPH जो है NADP प्लस जो है NADPH बन गया, और इधर ATP सिंथेसिस ने क्या कर लिया, ADP से ATP बना दिया। अब ये दोनों जाएंगे कहाँ जाएंगे, केल्विन साइकिल में जाएंगे, तो जैसे पहले दिख रहा था सेम ऐसे ही है, यहाँ आपको दिख रहा है एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर ये होती है, दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट की क्या है लेयर है, अंदर ही आपका थाइलेकोइड है, ठीक है जी, तो ये क्लोरोप्लास्ट की लेयर से ये सब के सब प्रोसेस चल रहा है। ये आपके जो अभी तक ये आपको दिख रहे थे ये नीले नीले, वो नीले क्या है, वो है आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज और सब लोग, ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में ये है क्या मैं वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि इनकी बॉडी में जरूरत होती है अलग अलग बाकी जगह में, जैसे साइटोक्रोम क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन आवर बॉडी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूजफुल होते हैं, साइटोक्रोम दिखने का भी आपके हीमोग्लोबिन का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है, इट इज एन हीम कॉम्प्लेक्स, हीम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ना आपने नाम सुना दो चीजें क्या होता है, एक होता है हीम एक होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, साइटोक्रोम का भी, तो अभी आगे बताऊंगा मैं आगे प्लास्टोक्विनोन क्या है आपका, प्लास्टोसाइनिन क्या है, फेरोडॉक्सिन क्या है, ये सब के सब क्या है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, क्या है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस प्रोसेस में यूज होते हैं,
तो जैसा हमको दिखता था अभी तक C6H2O = C6H12+6O2 इतनी सब होने के लिए इतने पापड़ गलने पड़ते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है जी, प्लांट्स को ये प्रोसेस होने के लिए। अब सेकंड प्रोसेस है केल्विन साइकिल, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होना है। केल्विन साइकिल में सिंपली CO2 फिक्सेशन होना है, CO2 को चेंज होकर क्या बनना है, शुगर बनना है, है ना, ग्लूकोज बनना है। अलग अलग मीडियम से होते हुए CO2 आता है और रुबिस्को आपका क्या है, एक आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इससे होते हुए 3-phosphoglycerate बनेगा, फिर आपका 1,3-dihydroxyglycerate बनेगा, ग्लिसरेट हाइड 3-phosphate बनेगा, और यहाँ से आपके 3-glycerate 3-phosphate के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और ग्लूकोज बन जाता है, फिर ये आपका ग्लिसरेट 3-phosphate आगे जाएगा, फिर से रुबिस्को बनाया जाएगा, तो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। यहाँ से अलग हो जाता है ग्लूकोज का बनना, तो ये है जो दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दिया, वो कैसे रहा है ये अभी लाइट वाली रिएक्शन जो आपने पहले देख ली, उसके बाद यहाँ के प्रोडक्ट आपका एटीपी और एनएडीपीएच इसमें चले गए और ये साइकिल कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन कंटिन्यू होगी, यहाँ बना ग्लूकोज, इस वाले में ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो ये दोनों जो आपकी फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन है वो कैसे हो रही है साइंटिफिकली आपके प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, वो ये आपका पूरा का पूरा समरी है। एक के प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच दूसरे प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, ओ2 ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो इसलिए इस वाले रिएक्शन में क्योंकि लाइट की जरूरत है इसलिए हम पहले रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, लाइट मीडिएटेड रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड रिएक्शन में क्योंकि लाइट की जरूरत नहीं होती, स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल मोर अप्रोप्रिएटली। अब मैं बात जो कर रहा था कि बीच बीच में जो नाम आए आपके बहुत सारे प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, थायरोडॉक्सिन, आपका इनका क्या मतलब है, क्या यूज है उनका, तो प्लास्टोक्विनोन जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूजफुल है इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटो सिस्टम, तो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन थी उनमें यूज होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया तो नाइन लिखा हुआ है, नाइन का क्या मतलब है, इस नाइन का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर चेन है ये 9 बार है, तो ये काफी लंबा है मॉलिक्यूल, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम कर रहा है। सिमिलरली प्लास्टोसाइनिन जो है, प्लास्टोसाइनिन क्या है, इट्स ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये आप देख रहे हैं ये क्या लगे हुए, अमीनो एसिड्स, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, तो ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो भी किसका काम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम, जैसे आपने देखा था फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट और फिर केल्विन साइकिल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किससे होगा, किन्हीं किन्हीं मॉलिक्यूल से या किसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट से, तो ये सब किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। तो प्लास्टोक्विनोन को शॉर्ट में लिखते हैं PQ, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा किताबों में, और प्लास्टोसाइनिन को लिखते हैं पी और छोटा सी, ठीक है जी, तो कहीं कहीं आपको ऐसा दिखे तो ये समझ लेना PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन और PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन। अब बात कर रहा था मैं साइटोक्रोम्स की, साइटोक्रोम मैंने कहा था ये हीमोग्लोबिन के जैसे दिखने वाले होते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है ना, इनमें भी आयरन होता है, डिफरेंस केवल क्या होता है कि आपके साइटोक्रोम्स जो है दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कंटेनिंग हीम। अब बात आती है हीम क्या है, हीम है एक इस टाइप का स्ट्रक्चर जहां पर 4 pyrrole रिंग्स, pyrrole कैसे है, केमिस्ट्री में pyrrole कहते हैं इस टाइप के सिस्टम को, इसको कहते हैं pyrrole, ये क्या है pyrrole, 4 pyrrole रिंग मिलके एक सिस्टम बनाती है, क्या बनाती है, 4 pyrrole रिंग, तो यहां दिख रहे हैं आपको 1 pyrrole रिंग, 2 pyrrole रिंग, 3 pyrrole रिंग और 4 pyrrole, ये 4 pyrrole रिंग मिलके एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाती है जिसमें बीच में आयरन होता है, इसको कहते हैं हीम कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, हीम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा दें अगर तो ये चेंज होते जाते हैं, हीम ए, हीम बी, हीम सी, अलग अलग, तो
इसी टाइप का आपका क्या होता है साइटोक्रोम। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये आपका साइटोक्रोम बी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइटोक्रोम सी का स्ट्रक्चर और साइटोक्रोम ए का स्ट्रक्चर। कहने का मीनिंग है जैसे साइटोक्रोम बी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर आपका हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का भी होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर। पर डिफरेंस केवल क्या होता है जो प्रोटीन चेन होती है, जैसे हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन डिफरेंट होगी, मायोग्लोबिन की प्रोटीन चेन डिफरेंट होगी, तो अमीनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट होगी। बाकी जो कोर स्ट्रक्चर है वो हीम स्ट्रक्चर ही होता है साइटोक्रोम्स में भी और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में भी। बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर जो है हीम कॉम्प्लेक्स सब में सेम होता है। तो ये किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम, या आप कह सकते हैं इनको रेडॉक्स कैरियर बीम को कहा जाता है। ठीक है, तो रेडॉक्स कैटालिसिस में रेडॉक्स क्या होता है, वो रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो। ठीक है जी, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं नेचर में और इवन हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में भी, एक होती है ऑक्सीडेशन दूसरी होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जहां कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन कोई चीज रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस का मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, केमिस्ट्री में कहें, किसी चीज पे ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का बढ़ना, दैट इज रिडक्शन। ठीक है जी, किसी चीज का क्या होना, हाइड्रोजन का कम होना भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या ऑक्सीजन का यूज होना किसी रिएक्शन को करने में, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होना, दैट इज ऑक्सीडेशन। किन्हीं रिएक्शन में दोनों चीज साइमल्टेनियस होती है, एक चीज ऑक्सीडाइज होगी दूसरी चीज रिड्यूस होगी, उन टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। फेरोडॉक्सिन भी आपने फोटोसिस्टम फर्स्ट में देखा, तो फेरोडॉक्सिन क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, आयरन सल्फर आप देख रहे हो यहाँ पर आयरन है और बीच में सल्फर है और ये अलग अलग क्या लगे हुए हैं, अमीनो एसिड्स लगे हुए सिस्टीन। तो ये भी क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कहा गया है दीज आर बायोलॉजिकल कैपेसिटर कैन एक्सेप्ट और डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटर्स के जैसे ये काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस है इनका भी सिमिलर ही है, दोनों काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी आपसे डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे हम, आप एक नाम आया था NADPH, क्या है NADPH, NADPH है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये है NADP, ये क्या है NADP, NADP है बेसिकली निकोटिनामाइड एडेनिन, एडेनिन आपको पता है क्या होता है, एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है ना, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये डीएनए के चार बेसिस है। तो एडेनिन जो है क्या है, बेस है, एडिनोसिन इसका मतलब है इसमें एडेनिन होगा है ना, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है जी, अब देखिएगा ये जो सिस्टम है और ये जो सिस्टम है बस यही अंतर है केवल NADP में और NADPH में। ठीक है जी, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, यहां पर जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है तो ये बन जाता है NADPH। और इसलिए हम इसको शॉर्ट दिखाने के लिए अगर हम केवल इसको और केवल इसको दिखाएं और बाकी नीचे जितना सब कुछ है उसको हम R लिख लें याद रखने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको शॉर्ट में याद रखना तो इस पूरे ग्रुप को R मान लो और इस वाले भी पूरे ग्रुप को R मान लो, तो NADP NADP ये होगा, NAD+ ये हो गया NADP+ और NADPH, यहां पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया। तो ये जिस पे ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एच जहां पर आ गया वो मॉलिक्यूल किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है, क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जिसको वो डोनेट कर सकता है।
क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये NADPH जो है बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है जो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हाइड्रोजन डोनर का काम करेगा। किसका? हाइड्रोजन डोनर का, क्योंकि इसके पास ये हाइड्रोजन डोनर डोनेट करने के बाद ये फिर से स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। भाई कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तभी करेगा जब करने के बाद वो खुद स्टेबल स्टेट में हो। ये टेंडेंसी होती है आपका मॉलिक्यूलर सिस्टम में, कोई भी मॉलिक्यूल जो डोनेट करने के बाद वो खुद अनस्टेबल नहीं हो सकता। अगर अनस्टेबल होगा तो इमीडिएटली किसी दूसरी चीज को कैच करके रिएक्शन करके किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे NADP जो है H में और प्लस में चलता रहता है काम, NADP प्लस बनेगा वो हाइड्रोजन लेगा, NADPH बन जाएगा, NADPH रहेगा हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। अब बात कर रहे थे इतनी सब चीज बात हो रही थी, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, कैसे आपका डार्क रिएक्शन हो रही है, कैसे लाइट रिएक्शन हो रही है। बात मेनली घूम फिर के किस बात है, क्लोरोफिल पे, क्योंकि वो सबसे मेन चीज है जो लाइट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड से डिफरेंट रिएक्शन हो रही है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम होता है। इसमें भी जैसे कि चार पायरोल्स हैं, 1, 2, 3 और 4, बीच में हीमोग्लोबिन में भी ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैग्नीशियम है, वहां आयरन रहता है। क्या रहता है? आयरन रहता है हीमोग्लोबिन में। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में आयरन रहता है, यहाँ मैग्नीशियम है। सिमिलरली एक और भी चीज होती है विटामिन B12, उसमें इनकी जगह आ जाता है, इसी से ऐसा ही कॉम्प्लेक्स रहता है, बीच में कोबाल्ट आ जाता है। किसमें? विटामिन B12। कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा मेटल है, या क्लोरोफिल में कौन सा मेटल, क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम, विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीम में आयरन, ठीक है। आयरन की कमी बोलते हैं ना, या हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज माना जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही पार्ट क्या है, आयरन है। तो ये क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक इसका हेड वाला हिस्सा, इसको कहते हैं पोरफायरिन सिस्टम। क्या कहते हैं? पोरफायरिन सिस्टम, ठीक है जी। और जो नीचे का हिस्सा होता है ये वाला, इसको कहते हैं हाइटोल, ठीक है, टेल सिस्टम। ये काफी लंबी चेन है, यहां पर दिख रहा है आपको COO के बाद ही आती है C20H39, तो बहुत ही लंबी ये चेन है, इसको क्या कहते हैं, फाइटोल, अलग से ये लंबी चेन है। और ये वाली क्या है, आपका ऊपर का हेड वाले पोर्शन को कहते हैं हम पोरफायरिन। अब बात करते हैं क्लोरोफिल के टाइप्स, क्लोरोफिल के टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। हर सेल के अंदर दोनों टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ए और बी। इनमें रेशियो होता है 3:1, 75% होता है क्लोरोफिल ए और 25% होता है क्लोरोफिल बी। कितना? क्लोरोफिल ए 75%, क्लोरोफिल बी 25%, ठीक है जी। तो कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि कौन सा क्लोरोफिल ए है, कौन सा क्लोरोफिल बी है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है, केवल डिफरेंस है आपका आर ग्रुप में। आर मींस एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आर की जगह अगर CH3 है यहां पर तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए, और आर की जगह CHO है तो हो जाएगा क्लोरोफिल बी। अगर CHO है तो क्लोरोफिल बी CHLB, शॉर्ट में लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे CHLA, क्लोरोफिल ए। कब होगा? जब मिथाइल ग्रुप रहेगा एल्काइल चेन में, ठीक है जी। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, 25% क्लोरोफिल बी मिलेगा और 35% क्लोरोफिल, 75% क्लोरोफिल ए मिलेगा। कहां मिलता है ये आपको पता है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, थाइलेकोइड के अंदर, क्या होती है, थाइलेकोइड के अंदर। तो ये आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन दिख रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन प्रोटीन मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रोटीन मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके क्या है, क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स
ये ऐसे इकट्ठे हो गए और ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया, ऊपर का हेड क्या होता है पोरफायरिन सिस्टम, नीचे वाला हाइड्रोकार्बन चेन जो है इसको कहते हैं फाइटोन, क्या बोलते हैं इसको फाइटोन, और ये क्या है पोरफायरिन सिस्टम। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है, आपको नहीं स्ट्रक्चर याद रखना है, नहीं आपको जो है रिएक्शंस बड़ी बड़ी याद रखनी थी, नहीं वो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको याद रखना है छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि पोरफायरिन किसको कहते हैं, फाइटोल किसको कहते हैं, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, थायमेकोइड क्या है, स्ट्रोमा क्या है, ठीक है जी, ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखना है, फेरोडॉक्सिन क्या है, आपका जो है प्लास्टोक्विनोन क्या है, प्लास्टोसाइनिन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा क्या कौन कौन से होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, ऊपर का हेड वाला हिस्सा जिसको हम पोरफायरिन सिस्टम कहते हैं, बट इसमें आयरन होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें क्लोरोफिल में फाइटोन चेन अलग से होती है, इसमें फाइटोन चेन नहीं होती है, बट ये जो हेड वाला हिस्सा है दोनों में सेम टू सेम होता है, पोरफायरिन सिस्टम होता है दोनों के दोनों, ठीक है जी, सिवाय मेटल के, देखो एक मेटल चेंज होने से पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल गई मॉलिक्यूल की, एक हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बन जाता है या साइटोक्रोम बन जाता है, दूसरा क्लोरोफिल बन जाता है, केवल मेटल के चेंज होने से, वही एक मेटल के चेंज होने से विटामिन बी12 बन जाता है। देखो नेचर जो है ना स्मार्ट गेम खेलता है, एक चीज को मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकता है, सेम चीज बनाई मेटल दूसरा इंसर्ट कर दे, तो वो चीज रिपीट आपने कॉपीज बना ली एक चीज की, सपोज कहने का मतलब है पोरफायरिन आपने बना लिया बॉडी में, अब उसमें आपका जो है एक मेटल आपने डाल दिया तो विटामिन बन गया, दूसरा मेटल डाला आपका क्लोरोफिल बन गया, ठीक है, तीसरा मेटल डाला आपका हीमोग्लोबिन बन गया, तो नेचर ने ऐसी चीजें बनाई है, इसलिए नेचर की जो केमिस्ट्री होती है उसको लैब में कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक बायोमिमेटिक्स नाम का एक शब्द आता है, बायोमिमेटिक्स क्या क्या शब्द आता है, बायोमिमेटिक्स, बायोमिमेटिक्स कहता है, इसका मतलब है बायोमिमिक्री, नेचर की मिमिक्री करना या नेचर की कॉपी करना, नेचर में जो जो रिएक्शंस हो रही हैं क्या सेम रिएक्शंस को हम लैब में रिपीट कर सकते हैं, या सेम चीजों को हम जैसा नेचर कर रहा है उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नेचर की जो केमिस्ट्री होती है दैट इज सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट होती है ना, हम लोग जो भी लैब में रिएक्शंस करते हैं केमिस्ट्री में या किसी भी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ जनरेट लॉट्स ऑफ वेस्ट, बट नेचर में जो केमिस्ट्री होती है दैट इज सस्टेनेबल, मतलब एक चीज का प्रोडक्ट जो बनेगा उसका बाय प्रोडक्ट कहीं दूसरे में यूज होगा, किसी दूसरी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट किसी तीसरी रिएक्शन में यूज होगा, जबकि रूटीन लैब्स में इंडस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉन सस्टेनेबल होती है, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हम जनरेट करते हैं, इसलिए नेचर का सस्टेनेबल इसीलिए होता है क्योंकि हर चीज ऐसे डिजाइन की हुई है कि कोई भी चीज फालतू नहीं जाएगी, जैसे वाटर स्प्लिटिंग किया तो O2 हमारे काम का मिल गया और सुहा यूज क्या कर लिया CO2 जो हम बाहर निकल रहे हैं, है ना, तो वो सस्टेनेबल हुए, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट खुद भी रेस्पिरेशन करता है, पता ना आपको, है ना, प्लांट दोनों काम करता है, हम केवल रेस्पिरेशन ही करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए कर्जदार हैं हम, पूरे प्राणी इंसान जो है ना कर्जदार है पेड़ पौधों में। ओके, अब बात करते हैं, इतनी देर बात करेंगे हम पेड़ पौधे जो है हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, उस CO2 को फिर से पेड़ पौधे ले रहे हैं, हमको ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अब बात आती है कि पेड़ पौधों को तो न्यूट्रिशन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, या हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो उस क्रॉप की यील्ड अच्छी हो, इसलिए क्रॉप की प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना जरूरी है, उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में तो आपको बताया लाइट यूज होती है, CO2 यूज होता है, वाटर यूज होता है, और सॉइल स्ट्रक्चर क्योंकि जिसमें उग रहा है पौधा वो मिट्टी चाहिए, ये तो जरूरी चीजें हैं, बट ये सफिशियंट नहीं है पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए उसके अलावा आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए
कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमको कम अमाउंट में चाहिए जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीके, ये क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये तीन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एनपीके, एनपीके आपने डाल दिया तो आधा काम हो जाता है। तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये तीनों के तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब आपने देखे। बट इन तीन के अलावा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये इतने बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स के लिए। कहां कहां जरूरत होती है ये देखिए, ये आपके तीन एनपीके जो हम बात कर रहे थे। नाइट्रोजन ओवरऑल सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका यूज होता है। तो एक दिखाएंगे ग्रीन अप प्लांट, सिंपल याद करने के लिए, पौधों को हरा भरा रखने के लिए हमको नाइट्रोजन की जरूरत। देखो देखो आपने, हम हरी सब्जियों में यूरिया यूज करते हैं, करते ना, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है। तो ज्यादा हरा भरा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यूरिया चाहिए, विच इज मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, है ना। क्या निकलता उससे हमको, नाइट्रोजन मिलता है। सेकेंड है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या करता है, ये रूट तक पहुंचता है और पेड़ पौधों को हेल्दी बनाने के लिए रूट्स का इंपॉर्टेंस है। रूट्स हेल्दी रहेंगे तो बढ़िया न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेंगे, बढ़िया आपका वाटर अब्सॉर्ब करेंगे, प्लांट को फायदा होगा। तीसरा पोटेशियम, प्रमोट्स ऑल राउंड वेलबींग। तो ये ओवरऑल क्या होता है, तो पेड़ पौधों की विभिन्न एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ के लिए ठीक है, आगे भी अभी पढ़ेंगे और चीजें भी हैं। कैल्शियम भी काम का होता है, मैग्नीशियम भी काम का होता है, सल्फर भी बहुत जरूरी है। सही बात, पिछले सर उसके पहले लाइक जो लाइक होता है स्लाइड क्या करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्लाइड दिखा सर एक बार, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 1 2 3 ठीक है जी, यस हो गया ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में। मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जो प्लांट ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। माइक्रो को हो गए जो कम अमाउंट में चाहिए, मैक्रो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है। मैक्रो कौन कौन से होते हैं, एनपीके हो गया ठीक है, आपको स्लाइड ये स्लाइड भी मिल जाएगी है ना, हर एक चीज मिल जाएगी आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये आपके पास ही आएगी ठीक है जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे जो एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के अलावा जो और चीजें भी, तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हैं, वो है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी बहुत जरूरी होती है किन किन चीजों के लिए। जैसे आपने हीट स्ट्रेस आपने खासकर देखा होगा गर्मियों के टाइम पर होता है ना, गर्मियों के टाइम पर झुलस जाते हैं। एक तो वो स्ट्रेस हो गया जब पानी आपने नहीं डाला, वाटर स्कार्सिटी हो गई, पानी की कमी हो गई खेतों में, तब सूखना रूटीन है, नॉर्मल है। बट केवल आपने पानी डाला सुबह, फिर भी दोपहर की गर्मी में झुलस गई, तो हीट स्ट्रेस जो है नहीं सह पाते। जैसे कई लोगों पे सन में क्या हो जाता है, टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, होती है ना, कईयों पे नहीं होती है। तो वो क्या है, बॉडी टाइप है, किसी में जो है पिगमेंटेशन होता है, किसी में नहीं होता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी है, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे वो हीट स्ट्रेस जो है झेल सकता है। जैसे ये 25 डिग्री पर है, दोनों प्लांट्स एक जैसे हैं, बट लो मैग्नीशियम वाला थोड़ा ग्रोथ कम है, पर दोनों हरे भरे दिख रहे हैं। एक में एडिक्वेट अमाउंट है मैग्नीशियम की, तो वो ठीक दिख रहा है, ग्रोथ बढ़िया होगी। बट जब 35 डिग्री तक गया है, तो जिसमें ठीक अमाउंट है, लेंथ तो थी बढ़िया, बट क्या हो गया साथ साथ इसकी, इस पे हीट स्ट्रेस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट जो लो मैग्नीशियम वाला था वो क्या हो गया, झुलस गया। तो ये है मैग्नीशियम का रोल, इंपॉर्टेंस, मतलब रेजिस्टेंट बनाना प्लांट, क्या करना है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ने के लिए रेजिस्टेंट बनाना। नेक्स्ट कैल्शियम, तो कैल्शियम के क्या क्या रोल है प्लांट के लिए। सबसे पहला तो है, हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन को या नाइट्रेट्स को उस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो प्लांट एब्सॉर्ब कर सके। देखो नाइट्रोजन तो नेचर में किस फॉर्म में मिलती है, N2, बट जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करते हैं, क्योंकि वही
जो कंडीशंस होती हैं प्लांट को अब्सॉर्ब करने के लिए होती है। N2 नहीं अब्सॉर्ब कर सकता प्लांट, क्या नहीं कर सकता है, N2 नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना वो बैक्टीरिया जो इसको हेल्प करते हैं वो क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सुना होगा आपने नाम ना, दाल की उनकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है किसमें, किसमें, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। ठीक है जी, तो ये क्या कर, एक तो हेल्प कर रहा है नाइट्रेट और नाइट्रोजन की फॉर्म्स में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करने के लिए, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इससे पहले भी मैं दिखा रहा था जो ही स्ट्रेस दिखा रहा था वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर से ही रेजिस्टेंस के लिए हेल्प कर रहा था। तीसरा, कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है जी, कई सारे जो आपके एंजाइम होते हैं बॉडी प्लांट बॉडी को उनके डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए उसमें काम होता है। एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है, जड़ों को अच्छा हेल्दी बनाएगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़िया होगा, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन में भी ये काम करता है। तो बेसिकली ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका ये वाला और ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये तीन जो है मेन इसके काम है। सिम्टम्स, कैल्शियम डिफिशियंसी के सिम्टम आपने खराब अपने वो देखे हुए, सेम ही है, टमाटर है, जूम हो गए। ठीक है, तो आपने टमाटर देखे होंगे कुछ खराब हो जाते हैं गुच्छे में ही, देखे ना आपने, ग्रेप्स है ये, थोड़ा जूम हो गए तो ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, है ना, बट ऐसे आपने देखे हुए रहते बेटा, ग्रेप्स नहीं हुए रहते, ग्रेप्स का, ग्रेप्स का जो गुच्छा है ना उसमें देखोगे कुछ कुछ ग्रेप्स ऐसे एक साइड बढ़िया दिखते हैं और दूसरी साइड जो है खराब हुए रहते, देखे आपने ग्रेप्स, उसी को बोलते हैं टमाटर, बोला मैंने सॉरी, देखो वही होता है ना हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना मेरा खुद का ट्रांसलेशन गड़बड़ा गया है। ठीक है जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ग्रेप्स बोला पर हिंदी वाला मैंने टमाटर बोल दिया, बताओ ये उसमें तो ग्रेप्स लिखा हुआ है, ग्रेप्स, ओके मुझे माफ करना ओम साईं राम, चलो ओके आगे चलिए भाई साहब, ग्रेप्स की बात चल रही है, कई जो होते हैं ग्रेप्स को उस साइड से पकड़ के दूसरी साइड से खा जाते हैं, है ना, बस वही वाले ग्रेप्स। ठीक है जी, वो पूरे सड़े नहीं रहते हैं पर एक साइड से खराब हो जाते हैं, इसलिए हम इंडियन लोग जो है ना दूसरी साइड से पकड़ के खा जाते हैं, वो वाला साइड सब हंस रहे, मतलब सबने खाए। ठीक है जी, तो ये एक आपके क्या क्या कारण है डेफिशियंसी के सिम्टम्स, ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, और रूट टिप डाई हो जाती है, रूट टिप, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि क्या फायदा है, रूट को हेल्दी बनाता है कि एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो, रूट टिप डाई हो गई तो सबसे बड़ा कारण वही है, प्लांट को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, अच्छा आपका क्या नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, तो प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा, डाई हो जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है। दूसरा जो है, सिंस कैल्शियम इज इमोबाइल इन विद इन द प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर इन यंगर लीव्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यंगर लीव्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी, देखो इंसानों की भी बात करें बच्चों के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए होते हैं ना क्योंकि ग्रोथ फेज है, ऐसे ही कैल्शियम डेफिशिएंसी प्लांट्स में भी ज्यादा दिखती है यंगर स्टेज में, क्योंकि तब सर्कुलेशन सिस्टम फुल डेवलप नहीं हुआ रहता है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा डेवलप हो जाता है उसके बाद ये सिम्टम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए इंसानों के लिए भी, क्योंकि इंसानों में बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम जरूरी होता है और बोन ही बॉडी के स्ट्रक्चर को खड़ा करता है, है ना, तो सिमिलरली प्लांट्स में भी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब प्लांट छोटा रहेगा उसका वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप नहीं रहता है, उस टाइम पर जब वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप हो गया तब जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी आने की चांसेस कम होगी। सल्फर, सल्फर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है सल्फर, ठीक है जी, बहुत सारे अमीनो एसिड का पार्ट होता है। आपने फिरिडॉक्सिन थोड़ी देर पहले देखा, फिरिडॉक्सिन क्या था, एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स था जिसमें सिस्टीन लगा हुआ था, लगा था ना, वो किसमें यूज हो रहा सिस्टीन, फिरिडॉक्सिन सिस्टम फोटोसिंथेसिस, इसका मीनिंग अगर सल्फर की कमी हो गई
फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होगा और वो सल्फर आ रहा कहाँ से है अमीनो एसिड्स दैट अमीनो एसिड इज यूज दैट सल्फर इज यूज फॉर सिंथेसिस और मिथियोनिन सॉरी मिथियोनिन सिस्टीन मिथियोनिन और किस किस में यूज होता है इन दोनों में मेनली यूज होता है तो सल्फर क्योंकि अमीनो एसिड को बनाने के लिए जरूरी है और अमीनो एसिड आप बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएगा बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगा इसलिए सल्फर की कमी जो है ओवरऑल बहुत सारे तरीके से हेल्प करती है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमीनो एसिड को बनाने के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है कौन कौन से दो मिथियोनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड अब बात कर रहे हैं हम क्योंकि हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल की भी बात करनी जरूरी है तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है नाइट्रोजन साइकिल कैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन अलग अलग प्रोसेसेस से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं फिर हम में भी जाता है और फिर एक्सक्रीट्रा से होते हुए सॉइल में जाके फिर कैसे एटमॉस्फेयर में चल जाता है ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितना परसेंट 78.something और सॉइल में भी होता है ठीक है जी तो मैक्सिमम आपके लेग्यूमिनस फैमिली की क्रॉप्स में पाया जाता है इसने क्या किया आपका इसको पहले अमोनिया में चेंज किया फिर नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया को नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से नाइट्रेट में चेंज किया फिर अगेन नाइट्रेट को सॉरी ये नाइट्राइड है NO2 इज नाइट्राइड NO2 माइनस इज नाइट्राइड और NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट ठीक है जी नाइट्राइड और नाइट्रेट पहले चेंज होगा नाइट्राइड में फिर चेंज होगा नाइट्रेट में और नाइट्रेट को हम लोग भी मतलब प्लांट्स है एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लिया आपका एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन कर लिया प्लांट्स में और फिर उसके बाद जो है आपका डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ने फिर जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको वापस N2 बना दिया एटमोस्फेयर में चली गई ठीक है तो दो टाइप के बैक्टीरिया एक जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं फिक्स करके नाइट्राइड और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरा जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो वापस आपका जो बची हुई है जो यूज नहीं हुई सॉइल में से उसको चेंज करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं तो ये पूरा का पूरा साइकिल क्या करता रहता है चलता रहता है ठीक है वही है सेम टू सेम इसमें एक चीज छूट गई थी ये वाला क्योंकि आदमी इंसान पेड़ पौधे ये डीके होंगे इनकी बॉडी से भी नाइट्रोजन जाएगा ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी नाइट्रोजन रहता है आपका यूरिन है उसमें भी नाइट्रोजन है तो ये सब भी किसके थ्रू डिकम्पोजर्स के बाद डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज क्या करेंगे वापस चेंज करके इसको फिर से N2 में रिलीज कर देंगे एटमोस्फेयर में चल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस है इजिली एटमोस्फेयर में चल जाती है बाकी क्या है आपके अलग फॉर्म्स है नाइट्रेट नाइट्राइड किसके साथ रहेंगे या तो आपका सॉइल में मैटर के साथ किसी मेटल के साथ रहेंगे या किसी और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म्स में रहेंगे ठीक है जी दैट्स ऑल सर क्वेश्चन है